दोस्तों शोल्डर्स के लिए एक कंप्लीट वर्कआउट जो आपके शोल्डर को एक अच्छी शेप दे सकता है वो इस वीडियो में दिखाया है। आप ये 5 एक्सरसाइज भी करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हैं, बिगिनर्स और इंटरमीडिएट एथलीट्स के लिए बोल रहा हूँ, उनके लिए ख़ास तौर से, इसलिए कि अभी आपको वीक पॉइंट्स पे काम नहीं करना, आपने शुरू किया अभी, तो ये 5 एक्सरसाइज जिस रो में आपको दिखाया है उसी रो में करें। मैं ट्रेपेजियस को शोल्डर के साथ प्रेफर करता हूँ, आप चाहें तो इसको बैक के साथ भी ट्रेन कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई वीक पॉइंट आपको लगता है अपने डेल्ट पे, तो उसके लिए एक एक्सरसाइज आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, जैसे साइड डेल्ट के लिए आप ये सिंगल आर्म लेटरल रेज कर सकते हैं, मीडियम वेट लेके जितने रैप लगा सकते हैं लगाओ, 4 सेट। और अगर रियर डेल्ट पे काम करना है एक्स्ट्रा तो आप ये फेस पुल कर सकते हैं, शेड्यूल के एंड में मीडियम वेट मैक्सिमम रैप जितने कर सकते हैं 4 सेट। अगर आपको ओवरऑल डेल्ट पे कुछ एक्स्ट्रा लोड डालना है तो आप सिंगल आर्म डंबल भी कर सकते हैं एट द एंड ऑफ शेड्यूल। अगर आपका ट्रेपेजियस वीक है तो आप ये बारबेल श्रग्स करने के बाद अपना अपराइट रोइंग भी कर सकते हैं। अपराइट रोइंग आपका फ्रंट डेल्ट, साइड डेल्ट, ट्रेपेजियस तीनों पे लोड डालता है। और फ्रंट शोल्डर देखो, वैसे तो ओवर हेड प्रेस करते टाइम ट्रेन हो ही जाता है, लेकिन फिर भी आपको लगता है वीक पॉइंट है, आपको एक्स्ट्रा इस पर लोड डालना है तो आप ये टी बार पे पुश करके भी कर सकते हैं या सिंगल आर्म डंबल भी कर सकते हैं। तो ये एक एक एक्सरसाइज लास्ट में ये है सिर्फ आपके वीक पॉइंट के लिए, अदरवाइज जो शुरू में 5 एक्सरसाइज दिखाई वो आपका कंप्लीट शोल्डर रूटीन है। आप अच्छे से इसको करेंगे 8 से 12 रैप, 4 सेट, 5 सेट भी आप कर सकते हैं तो एक अच्छा लुक आप शोल्डर को दे सकते हैं। थैंक यू।